नीमच शहर के बस अड्डे पर पिछले करीब 1.5 माह से पूरी तरह बसें बंद थी, लेकिन अब अनलॉक के बाद यहां रौनक दिखने लगी है। यात्रियों की कमी के कारण थमे बसों के पहिए अब फिर से धीरे धीरे सड़कों पर दौड़ लगाने के लिए तैयार है। ये जरूर है कि अनलॉक हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और ऐसे में सवारियां भी फिलहाल इतनी अधिक नहीं है, लेकिन शुरुआती दिनों में ही यात्री बसों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रशासन के नियमों को ताक में रख रही है। प्राइवेट बस स्टैंड पर यात्रियों के इंतजार में खड़ी यात्री बसों में यात्री बैठ चुके थे। इन बैठे हुए यात्रियों में जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखे थे उनके पास मास्क तो थे, लेकिन कुछ उससे परहेज कर रहे थे और कुछ ने मुंह की ठुड्डी पर इस मास्क को अटका रखा था। अब ऐसे में शुरुआती दौर में ही ऐसी तस्वीरें आएंगी तो जरा सोचिए साहब, हम संक्रमण को कैसे रोकेंगे। प्रशासन को चाहिए कि वो यात्री बसों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए पाबंद करें और बस चालकों को भी चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इस तरह से कोविड के नियमों की बसों में धज्जा न उड़ने दें। नाश्ता कर रही थी, नाश्ता जब मास्क नहीं लगाया वो नाश्ता कर लिया और मास्क लगा लिया। जी, मास्क लगाने से पहले हम सबसे बोलते हैं कि मास्क लगा कर बैठिए। ये लोग जो मास्क ऐसे कर कर अंदर चढ़ जाते हैं, वापस अंदर जाकर कोई लगाता है कोई हटा देता है, ये यात्रियों की जिम्मेदारी बनती है पर यात्री अपना समझ नहीं पा रहा। हाँ तो बोलते हैं सर, हम जब भी अंदर गाड़ी में चढ़ते हैं हम बकाया उनको बताते हैं बकायदा कि आप मास्क लगा कर बैठिए। जी हाँ, तो ये अंदर जाकर हटलते वापस हम बोलते हैं तो फिर ये बहुत सी जगह चेकिंग भी होती है, वहाँ पे हम पहले से ही बता देते हैं, गाड़ी में चढ़ने से पहले भी हम बता देते हैं इनको। गाड़ी तो भैया 4-5 गाड़ी चल रही है, उसमें भी आधे घंटे में सवारी नहीं हो पा रही है और जो सवारी हो रही है वो उसमें हमारी पूर्ति हो ही नहीं रही। डीजल 96 रुपये हो गया और किराया वही 40-50-60 रुपये किराया ले रहे हैं, उसमें पूर्ति हो ही नहीं। नहीं बैठने के पहले हम नीचे गए थे तो भैया मास्क लगा के रखना, अभी जो मास्क नहीं लगा था उसे बिठाते ही नहीं। गाड़ी चलने से पहले एक बार फिर कहते थे भैया मास्क लगा लो और उसके बाद नहीं लगाए तो उतार देते भैया, बिना मास्क वाला कोई नहीं बैठेगा अंदर। मैं अभी आरटीओ से बात भी कर लेते हैं, उनको हम टीम भेज कर वहाँ चेक कराएंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे जो कोविड के 19 के जो रूल्स हैं वो लोग फॉलो करें, फॉलो नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं लास्ट उसमें गया हूँ, लेकिन मैं भी 2-3 दिन से नहीं गया हूँ, जब से ये चालू हुआ है मैं भी वहाँ जाके देखूंगा और लगेगा तो उसमें कार्रवाई। देखिए पहले हम लोग, अब कार्रवाई से भी हमें जो लगता है कि लोगों को खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, 1 ईयर हो गया है ना, तो हम लोग पहले इस पर जाते हैं कि भाई वो पहले लोग समझ लें, कभी तो समझे भाई। तो पहला उद्देश्य लोग मोटिवेट हों, सेल्फ मोटिवेट लोगों को होना पड़ेगा। 1 साल हो गया, कार्रवाई तो ठीक है अपनी लेवल पे हम करते हैं, लेकिन बस तकलीफ वहीं होती है जब लोग खुद ही नहीं समझ रहे तो फिर तो तकलीफ की बात है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।